से मिलने के लिए वो आए हैं, एक घंटा तक मीटिंग भी चली है उनकी। तो इसमें क्या हुआ, मिलना जुलना है, ये होता रहता है, बिहार के हैं, मिले जुले हैं और मिल सकते हैं, इसमें कौन बात आ गई। अरे बात हो रही थी कि भाई आपके पार्टी से उपसभापति हैं तो आप इस तरह से किए हैं तो इनको भी हटा लीजिए, फिर उनको रखने की क्या जरूरत है उपसभापति के रूप में अपने पार्टी से, तो शायद इसी वजह से मुलाकात हो रही है क्या, कुछ इस तरह का कुछ है? कोई मामला नहीं, कोई मामला नहीं। इधर तेजस्वी जी सीबीआई के सिकंजे में पहुंच गए हैं सोमवार को, मतलब ये हुआ इधर बैठक चल रही है नीतीश जी की, और आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी बहुत जल्द ही सरकार गिरने वाली है, तो मतलब कैसे क्यों? सवाल है, सीबीआई ने चार्जशीट किया है उन पर, ये केस मुकदमा की बात है, हम इसमें क्या कहें। रही बात साथ देने का, रिजाइन करने का, तो इसमें नीतीश बाबू को हम कह सकते हैं कि नीतीश बाबू तो इस पर बहुत सोच समझ के काम करते हैं। 2005 में हमको उन्होंने मंत्री बनाया था, लेकिन आप लोगों ने कहा, पत्रकारों ने, कि एक दागी मंत्री आ गए हैं, डिग्री घोटाला का केस हम पर था, तो उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए। हमने कहा था कि लालू यादव चार सीटेड हैं और भारत के रेल मंत्री हैं, और हम पर तो केस हुआ है, तो हम रिजाइन क्यों करें? तो कहें कि ना ना ना, पायसनेस के लिए अच्छा है कि रिजाइन कीजिए। तो आज नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो चार्ज सीटेड हो गए, तो उनको सोचना चाहिए। सरकार गिरेगी है? सरकार गिरेगी? हाँ, हम भविष्य वक्ता नहीं हैं। ललन सिंह या लेसी सिंह जी ये कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं तेजस्वी यादव, ये कैसे कर सके हैं निर्दोष? जब सीबीआई एजेंसी ने चार्जशीट कर दिया तो चार्जशीट करने का मतलब है कि वो दोषी हैं। रही बात है कि कोर्ट में जाएगा मामला, विचारण होगा, अब कोर्ट कर सकते हैं कि हाँ साहब कौन दोषी है ना दोषी है। कोई व्यक्तिगत आदमी कोई कहते हैं तो हम समझते हैं, ये मेरे समझ से परे की बात। सर नीतीश जी जिस तरह से सबसे मुलाकात कर रहे हैं, हरिवंश जी भी आए हैं उनसे मुलाकात करने, मतलब क्या कुछ माजरा होने वाला है? अब क्या होने वाला, हम भविष्य वक्ता नहीं है, भविष्य दृष्टा नहीं है, मतलब कुछ करेंगे क्या? पलटी उल्टी मारेंगे क्या? महीना है, चलिए हम नीति हम तो है नीतीश जी के साथ थे तो हम कुछ बात बोल सकते थे। नीतीश जी ने तो मुझे बाहर कर दिया कि पार्टी को मिला दो और नहीं तो बाहर जाओ। हम पार्टी बनाए हैं बड़ी मुसीबत से और पार्टी को चला रहे हैं, हम किसी भी परिस्थिति में किसी पार्टी के साथ हम मर्ज नहीं करेंगे। अच्छा समझे कि बाहर चले आए, और बाहर चले आए तो अब उनका अफेयर्स है वो देखें, हम अपना अफेयर्स हम देखेंगे उनके। अब हो सके, अब किसी बात दुनिया से राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। वो तो दो दो बार भाजपा के सहयोग से रेल मंत्री बने हैं, प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं, तो कयास लगाया जा सकता है, मात्र कोई ऐसी बात नहीं।